यस व्यूअर्स उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे तो अभी आपका मुसाफिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है ये हमारा गांव है गांव के साथ एक छोटा सा डेरा है आपको बैंसी नज़र आ रही होंगी ट्राली वगैरह ये केले के दरखते हैं साथ दरखते हैं ये भाई जामन का जरा लगा हुआ है ये ट्राई कर रहे हैं कि हमें जामन मिल जाए उतारने की कोशिश करेंगे जामन जो है ना वो काफ़ी ऊँची लगी हुई है ये जामन के मालक हैं इसलिए मालक आ गए इसलिए हमने जामन नहीं तोड़ी तो जामने अभी ना क्या बोलते हैं कि अभी वो कच्ची हैं हाँ इनशाला एक हफ्ते तक तैयार हो जाएंगी ये इसको हम आम जुबान में पनीरी बोलते हैं तो ये इसको अगर हम साइंटिफिक बोलेंगे सीडलिंग्स हैं मतलब तो कि जो चावल की फसल काश्त करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पौधे पहले पनीरी लगाते हैं एक नर्सरी बना के लगाते हैं तो ये नर्सरी लगाई हुई है चावल की फिर इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे खेत में तो वो खेत को तैयार करेंगे उसको हम पंजाबी बोलते हैं कद्दू करना मतलब मिट्टी को बिल्कुल नरम करना और ये ये पौधों को ना जब तकरीबन एक फीट के हो जाएंगे इनको उखाड़ कर उधर ट्रांसप्लांट करेंगे ये साल में दरख्त है मैंगो का वो दिखाते हैं फिर आपको वो खेत दिखाते हैं फ़ील्ड जिसमें इन्होंने ट्रांसप्लांट करना है चावल को ये फील्ड है अभी इसको तैयार करना है तो अभी इसको पानी लगाएंगे बहुत ज़्यादा तकरीबन इसको छः इंच तक पानी या आठ या नौ इंच तक पानी होगा इसके अंदर कंटिन्यूस इसको भरना है खेत को फिर इसके अंदर ट्रैक्टर चला के ये सारी मट्टी इस तरह नरम हो जाएगी बिल्कुल गल जाएगी इतनी गल जाएगी कि आप इसमें उंगली डुबोएंगे तो मट्टी के अंदर गारा आपकी उंगली जाएगी तो फिर ये जो राइस के छोटे पौधे हैं इनको उधर ट्रांसफर्ट करेंगे तो फिर ये चावल बनता है तो ये हमारे जनाब दोस्त हैं नबील साहब उन्होंने ये काफ़ी प्लांटेशन क्यों ही है ये हमारे लोगों को तो इतना शौर नहीं है लेकिन ये इनकी मेहनत है कि इनमें इतने दरख्त लगाए हुए हैं तो माशाला अब दरख्त जो है ना बड़े होने लग गए हैं जामन के हैं आम के अमरूद है, के हैं मैंगो के हैं फिर एक वो ग्रीन टी का दरख्त भी आगे लगा हुआ है तो ये खालों पर जो है ना लगाते रहते हैं आज कल किसानों को इतना शौर नहीं है तो वो लगाते नहीं हैं ये डेरा आपको पहले भी दिखाया है भैंसें या इधर ट्यूब है लगा हुआ तो ये साथ छोड़ा सा तालाब है भैंसों के नहाने के लिए या भैंसों को पानी पिलाने के लिए बनाए हुए तो ये लाइफ है गांव की देसी लाइफ जिसको बोलती हैं